दोस्तों, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी खबरें हैं। इनमें कुछ खबरें आप तक पहुंच नहीं पाती जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ को जान से मार देने की धमकी देने वाला, बम से उड़ा देने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। इसे कहां से गिरफ्तार किया गया है, इसका नाम क्या है, ये आपको कुछ देर बाद में बताने वाला हूं, लेकिन आप पहले पूरा मामला समझ लीजिए कि दरअसल हुआ क्या था। खबर देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाला रायपुर से गिरफ्तार। शनिवार रात करीब 10 बजे सुरक्षा मुख्यालय पर अज्ञात शख्स ने फोन कॉल किया। इस फोन कॉल को ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल ने उठाया, जिसके बाद आरोपित ने सीएम योगी को बम से उड़ा देने की धमकी दी। तो ये खबर है, एक अज्ञात शख्स जो कि फोन कॉल करता है और फोन कॉल में योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देने की धमकी देता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम कमलेंद्र सिंह है और इसको लेकर सुरेंद्र राजपूत क्या लिखते हैं वो आप जरा सुनिए। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला युवक कमलेंद्र सिंह को पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। कमलेंद्र की जगह कमालुद्दीन होता तो क्या ये अपने पैरों पर खड़ा होता या कुर्सी पर बैठा होता? देखिए ना कैसी शान से बैठा हुआ है, बटन को खोलकर दोनों जगह भाजपा की सरकार है। ये सुरेंद्र राजपूत है जो इस खबर को ट्वीट करते हैं कि जिस शख्स ने धमकी दिया था योगी आदित्यनाथ को जान से मार देने की, बम से उड़ा देने की, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस शख्स का नाम कमलेंद्र सिंह है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इसे गिरफ्तार किया गया। इस खबर को ट्रू स्टोरी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है। उसके बाद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी आन बान शान से ये शख्स जो है वो बैठा हुआ है, जिसको लेकर सुरेंद्र राजपूत ने ये जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट को जो मैंने आपको बताया है उसका मतलब आप समझ सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम भी मैंने आपको बताया, और आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को जान से मार देने की धमकी वाला ये मामला कोई पहला नहीं है, बहुत बार ऐसा हो चुका है और बहुत बार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लोगों का नाम भी सामने आया है। आज से कुछ साल पहले की बात है, योगी आदित्यनाथ को जान से मार देने की धमकी मिली थी। जिसने धमकी दिया था उसका नाम लेडी डॉन बताया जा रहा था, ये खबर मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद कई ऐसी खबरें आपने सुनी जिसमें यही सेम मुद्दा आपको देखने को मिला कि कोई एक कॉल करता है या मेल करता है या मैसेज करता है और जान से मार देने की धमकी देता है योगी आदित्यनाथ को, फिर उसे बाद में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और उसके बाद उसका नाम, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, ये सब कुछ लोगों के सामने आता है। एक बार फिर से आपको वही सब कुछ देखने को मिला है। लेकिन इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जिस तरीके से ये बार बार आपको देखने को मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।